बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ रूल ऑफ लॉगरिथम लॉज पढ़ेंगे, जो कि चेंज बेस रूल ऑफ लॉगरिथम लॉ भी कहलाता है। इससे पहले हमने थ्री रूल्स ऑफ लॉगरिथम लॉज पढ़े हैं, प्रोडक्ट रूल्स, क्वोशेंट रूल और पावर रूल। तो आज जो रूल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चेंज बेस रूल या चेंज बेस लॉ या चेंज बेस फार्मूला। ये फोर्थ रूल है हमारे पास और इसकी जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास इस तरह है कि log of n to the base a is equal to log of n to the base b multiply log of b to the base a or log of n to the base b upon log of a to the base b। पहले क्वोशेंट और प्रोडक्ट रूल के अंदर हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के अंदर स्टेटमेंट्स के अंदर उस वक्त इक्वल होती है कि अगर दोनों तरफ की बेसिस जो है वो क्या हो, सेम हो। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास राइट साइड पे जो आर्गुमेंट्स मौजूद है उनकी बेसिस जो है वो सेम नहीं है। वहां पे प्रोडक्ट रूल और क्वोशेंट रूल के अंदर जो राइट साइड पे आर्गुमेंट्स होते थे वो आपस में ऐड होते थे या सब्ट्रैक्ट होते थे, लेकिन इस रूल के अंदर जो राइट साइड पे आर्गुमेंट्स मौजूद हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं। तो अब हमने हमारे पास ये जो स्टेटमेंट मौजूद है इसको लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड पे इक्वल जो है वो उसको प्रूफ करना है। और इसके प्रूफ के लिए जो है हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लेट करेंगे, किसको लेट करेंगे, लेट लॉग ऑफ एन बेस बी इज इक्वल टू एक्स। लॉग हमने इसको लेट किया, लॉग ऑफ एन बेस बी इज इक्वल टू एक्स के। अब इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे हम इसको, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमने इसको इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद ये जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, बेस यहीं पे रहेगी और साथ में जो आर्गुमेंट मौजूद है वो आके एक्सपोनेंट बन जाएगा और जो लॉग के साथ आर्गुमेंट मौजूद है जो कि एन है वो इक्वल में चला जाएगा, एन जो है वो इक्वल में चला जाएगा। और अब हम इसको यूं भी देख सकते हैं कि एन इज इक्वल टू बी रेज टू पावर एक्स। तो अब इसको दोबारा हम जो है लॉगरिथम फॉर्म में लेके आएंगे विद बेस ए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहां पे आप लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स विद बेस ए, बेस ए के साथ जो है हम दोनों तरफ जो है वो लॉग ले लेंगे। तो यहां पे लॉग आ जाएगा, बेस यहां पे आ जाएगी ए और साथ जो है ये जो आर्गुमेंट एन मौजूद है वो लॉग के साथ आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास लॉग आ जाएगा बेस ए के साथ और साथ ये जो आर्गुमेंट मौजूद है बी रेज टू पावर एक्स वो लॉग के साथ आ जाएगा। ये इसकी कौन सी फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म में हम इसको लेके आए। अब फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है आपको पता है कि जो एक्सपोनेंट होता है थर्ड जो पावर लॉ हमने पढ़ा है उसके मुताबिक जो एक्सपोनेंट होता है जो पावर होती है उसको लॉग से हमेशा हम क्या करते हैं पहले लेके आते हैं। तो ये हमारे पास आ गया लॉग एन टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ, यहाँ पे पावर चूंकि हमने पहले लेके आना है तो एक्स हम पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। Putting the value of x, putting the value of x, तो इस equation को आप कोई नाम भी दे सकते हैं, हम इसको equation को one का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, putting the value of x in equation one, in equation one, log x की value क्या है हमारे पास, वो ये है। तो यहां पे जहां पे x मौजूद है वहां पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां पे log of n base a is equal to x की जगह हमारे पास आ गया log of n to the base b और साथ ये जो है x के साथ क्या हो रहा है log of b base a जो है क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा log of b to the base a। Hence proved, ये एक जो है राइट हैंड साइड का जो मल्टीप्लीकेशन जो आर्गुमेंट्स थे वो हमने उसको क्या किया यहां पे साबित कर दिया, hence proved। अब हम क्या करेंगे कि replacing, ये हम इसको अब इक्वेशन नंबर टू का नाम दे देते हैं, ये जो प्रूफ हमारे पास आया है इसको इक्वेशन नंबर
टू का नाम दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिप्लेसिंग एम विद ए एंड पुटिंग इन इक्वेशन वन। तो यहां क्या करेंगे, रिप्लेसिंग एम विद ए, हमने एम को ए के साथ रिप्लेस किया एंड पुट इन इक्वेशन टू, और इक्वेशन टू के अंदर जहां जहां एन मौजूद था वहां पे हमने ए पुट कर दिया। तो इक्वेशन जो है यहां पे हमारे पास टू जो है लॉग ऑफ एन था, तो एन की जगह ए आ गया, टू द बेस पहले से ए है वो आ गया, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया लॉग, यहां पे भी एन था हमारे पास तो यहां भी क्या आ जाएगा ए आ जाएगा लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, और मल्टीप्लाई यहां पे हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, ये हमारे पास आ गया। अब यहां पे अगर किसी लॉग की जो यहां पे जो आर्गुमेंट होता है और उसकी बेस जो होती है लॉग के साथ जो नंबर या वैल्यू दी गई होती है और उसकी बेस अगर दोनों एक जैसे हैं तो फिर जो है हम क्या करते हैं कि यहां पे जो रूल अप्लाई करते हैं वो ये होता है कि लॉग ऑफ ए डिवाइड हो जाता है लॉग के साथ उसकी बेस पे। अगर बेस और लॉग की जो वैल्यू है वो सेम हो तो फिर जो वैल्यू होती है उस बेस बेस उस वैल्यू के ऊपर क्या होती है डिवाइड हो जाती है लॉग के साथ। लॉग ऑफ ए टू द बेस ए जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे लिखेंगे फर्दर तो लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ए, यानी कि जो बेस थी इसके साथ लॉग आ जाएगा और ये लॉग के साथ जो है जो लॉग का नंबर था उसके ऊपर क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या मौजूद है लॉग ए टू द बेस बी मल्टीप्लाई लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। तो अब लॉग ए के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा वन आ जाएगा। अगर लॉग की वैल्यू और लॉग की बेस जो है लॉग के साथ जो नंबर मौजूद होता है जो आर्गुमेंट मौजूद होता है और लॉग की बेस जो है अगर वो दोनों एक जैसे हैं तो फिर वो एक दूसरे के साथ जो है डिवाइड होके कैंसिल हो जाते हैं और रिजल्ट हमारे पास क्या आता है वन आता है। अगर वही बेस हो और वही वैल्यू हो लॉग की तो वो फिर रिजल्ट क्या आता है वन होता है वन आता है। तो उसके बाद फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ गया लॉग ऑफ ए बेस बी मल्टीप्लाई लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। अब यहां पे ये जो नंबर मौजूद है इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर वन के ऊपर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 1 ओवर लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इज इक्वल किसके रह जाएगा लॉग ऑफ बी टू द बेस ए रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 यहां पे मौजूद है log of n to the base a जिसको हमने अभी अभी प्रूव किया है is equal to log of n to the base b multiply log of b to the base a। इसके अंदर जहां पे हमारे पास log of b over a मौजूद है जो कि 1 over log of a base b के इक्वल है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां पे हम यूं लिख सकते हैं r करके log of b base a, ये वाली साइड हम इधर लिख लेते हैं और ये वाली साइड जो है उस तरफ लिख लेते हैं 1 upon log of a to the base b put in equation 2 in equation 2, ये equation 2 हमारे पास मौजूद है जो कि log of n to the base a is equal to the log of n to the base b multiply log of b to the base a है। इसके अंदर जहां पे हमारे पास log of b to the base a है उसकी जगह उसकी alternative जो है हम ये वाली जो value है वो put कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जहां पे मैंने reference दे दिया यहां पे मैं लिख रहा हूं log of n to the base a is equal to the log of n to the base b एंड मल्टीप्लाई, इसकी जगह क्या आ जाएगा जगह पे हमारे पास log of b to the base a था उसकी जगह आ जाएगा ये 1 over log of a to the base b, क्योंकि ये जो है log of b to the base a के इक्वल है तो इसकी हमने ये वाली जो वैल्यू है वो यहां पे पुट कर दी। अब जिसका कोई डिनोमिनेटर ना हो उसका कितना होता है 1 होता है। ये log of n to the base b ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन जो है यानी नीचे जो है ये वाला 1 जो है वो log of a to the base b से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो है log of n to the base a is equal to the log of n
टू द बेस बी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो यहां पे जो हमारे पास लॉग ऑफ एन टू द बेस ए था, जिसको हमने साबित करना था कि वो लॉग ऑफ एन टू द बेस बी मल्टीप्लाई लॉग ऑफ बी टू द बेस ए के इक्वल है, वो हमने इक्वेशन नंबर 2 में प्रूव कर दिया। इसको जो है हम इक्वेशन नंबर जो है फाइनल को 3 का नाम देते हैं। और फिर हमने ये प्रूव करना था कि लॉग ऑफ एन टू द बेस ए इज इक्वल टू द लॉग ऑफ एन टू द बेस बी अपॉन लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, और वो हमने यहाँ पे साबित कर दिया। तो यूं जो है ये जो फोर्थ रूल ऑफ लॉगरिथम लास्ट था, जो कि चेंज बेस लॉ या रूल भी कहलाता है, उसको हमने क्या किया यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे दोनों जो है मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में भी जो था वो भी, और जो डिवीजन फॉर्म में था आर्गुमेंट्स, उसको भी हमने जो है यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब हम फर्दर एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 3.3 है, जिसका पहला क्वेश्चन जो है वो है राइट इनटू सम और डिफरेंस। सम और डिफरेंस फॉर्म में इसको जो है हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको हमने लिखना है। तो आपको पता है कि सम के लिए कौन सा रूल यूज होता है, वो प्रोडक्ट रूल यूज होता है, और डिफरेंस के लिए कौन सा, सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सा रूल यूज होता है, कोशेंट रूल यूज होता है। तो आप जो लॉज हमने पढ़े हैं उनको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आज के जो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर 3 लॉज जो है हम अप्लाई करेंगे। एक प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, दूसरा कोशेंट रूल यूज करेंगे, और तीसरा पावर रूल यूज करेंगे। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है ये सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि ये आपस में जो आर्गुमेंट्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट मींस कि यहाँ पे कौन सा हम रूल यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, फर्स्ट रूल यूज करेंगे। तो लॉग इनटू ए क्रॉस बी जो है, जब हम वो रूल अप्लाई करेंगे तो जो राइट हैंड साइड आएगी तो लॉग ए प्लस लॉग बी, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में कौन सा साइन आता है, प्लस का साइन आता है, आर्गुमेंट्स के दरमियान कौन सा साइन आता है, प्लस का साइन आता है। तो ये जस्ट इसका सलूशन है, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा रूल यूज किया है, प्रोडक्ट रूल यूज किया है। फर्दर अगर आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे दोनों रूल्स जो है ना वो अप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल भी यूज हो रहा है क्योंकि दो आर्गुमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और अपॉन एक नंबर मौजूद है जो कि डिवाइड हो रहा है, तो यहां पे क्वेश्चन रूल भी हम यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल में जब हम एक्सपेक्ट करते हैं अलग-अलग लॉग देते हैं तो प्लस आता है, और क्वेश्चन रूल में जो है चूंकि डिविजन के अंदर नंबर्स मौजूद होते हैं तो फिर क्या होता है कि दरमियान में माइनस आता है। तो फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों रूल्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे अगर लॉग 21 चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आ गया, लॉग 5 जहां तक प्रोडक्ट रूल यूज हुआ, ये वाला आर्गुमेंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो अब कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का, माइनस लॉग 8। तो यहाँ पे ये कौन सा रूल यूज हुआ है, कोशेंट रूल यूज हुआ है। अब फर्दर हम नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का मौजूद है उसकी तरफ बढ़े, तो हमारे पास जो है लॉग 7 अपॉन 15 का 3 अंडर रूट है, क्यूब रूट है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं कि लॉग 7 अपॉन 15 3 अंडर रूट या क्यूब रूट, मींस इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये क्यूब रूट फॉर्म में था, ये स्क्वायर रूट फॉर्म में था या क्यूबिक फॉर्म में था, तो ये किसमें आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया हमारे पास, 1 अपॉन 3 इसकी जो है पावर आ गई हमारे पास। तो जो थर्ड लॉ है हमारे पास पावर लॉ जो है उसके मुताबिक क्या करते हैं कि जो पावर होती है उसको लॉग से क्या करते हैं, पहले लेके आते हैं। तो 1/3 जो है वो लॉग से पहले आ जाएगा, 1/3 लॉग 7 अपॉन 15 आ गया। अब यहाँ पे पावर जो रूल था वो हमने यूज कर लिया, पावर रूल के मुताबिक हमने क्या किया कि जो ऊपर एक्सपोनेंट था उसको हम लॉग से पहले ले लिया है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर जो है जो आर्गुमेंट मौजूद है वो किस फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में मौजूद है, तो यहाँ पे हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, कोशेंट रूल यूज करेंगे। तो जब कोशेंट रूल यूज करेंगे तो 1/3, और यहाँ पे चूंकि ये सब के ऊपर डिवाइड हो रहा है तो ब्रैकेट डालेंगे, और ब्रैकेट के अंदर जो है हम क्वेश्चन रूल जब यूज करेंगे तो लॉग 7 माइनस लॉग 15 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पे कितने रूल्स हमने इस्तेमाल किए, 2 रूल यूज किए, सबसे पहले हमने पावर रूल यूज किया, फिर हमने क्वेश्चन रूल यूज किया। अब जो है लास्ट आज इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास पार्ट है, तो उसके अंदर जो है हमारे पास यहाँ पे भी हम 2 रूल्स यूज करेंगे। एक हम कोशेंट रूल यूज करेंगे, क्योंकि ये जो आर्गुमेंट्स हैं दूसरे के ऊपर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं,
और दूसरा हम पावर रूल यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर्स मौजूद हैं, जब उनको एक्सपेंड करेंगे इस नंबर को हम, तो फिर वो पावर्स को लॉग से पहले लेके आएंगे। तो यहां से हमारे पास जो है, यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन रूल हम यूज कर रहे हैं लॉग 22, और इसका जो एक्सपोनेंट है वो 1/3 है, और माइनस लॉग 5, और इसका एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास क्या है 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फर्दर क्या करेंगे कि हम जो है वो पावर रूल यूज करेंगे, और पावर रूल यूज करते हुए हम क्या करेंगे कि जो ऊपर एक्सपोनेंट या बार मौजूद है उसको लॉग से पहले ले लेंगे, 1/3 लॉग, ये जो एक्सपोनेंट है ये पहले आ गया, लॉग 22 माइनस 3 जो एक्सपोनेंट था वो पहले आ गया, और लॉग 5। ये आज के हमारे जो था वो इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था, और एक हमने जो है वो लॉग का रूल पढ़ा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज कल से हम स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।